मास्टर नमस्कार। अरे नमस्कार आगे जी मास्टर। बैठो बैठो बैठो, लो आगे लो बैठ जरा। मास्टर ये शिशुओं ढाक दर रहा। शिशुओं ढाका है बाबा, आजा इसी बैठ, इसी काम दीवार में इसी बैठ। मास्टर कुछ लागे जल शिशुओं, कोई नहीं लगता शिशुओं। अच्छा क्यों दुआएं सर्दी नहीं आई, कहाँ गई आज? मासा वो हल्द्वानी गई है। हल्द्वानी क्या? हल्द्वानी के लिए चले हो? मासा वहाँ नामकरण है। नामकरण है? क्या नामकरण से? मासा उसके पीपी का लड़का हुआ है। पीपी का लड़का हुआ है? पीपी का लड़का हुआ क्या होता है? मासा पिंकी भौजी का। अच्छा पिंकी भौजी का लड़का हुआ है जी मासा। ठीक, नामकरण का भात खाने चलेगी हो जी मासा? चलो ठीक है, नामकरण भात खाना है। अभी खाता के दुकान से कॉपी खोल जी मासा। तुम खोल कॉपी। पेन कहाँ है? पेन लाया है? मासा वो पेन तो घर ही रह गई। घर रोड में रहता क्यों वहाँ से बया तू? और अच्छा ये मास्क पहन के क्यों नहीं आया? मास्क लाया हो? मास्क पहन क्यों नहीं आया फिर? मासा वो मास्क भूल गया। भूल गया? जब तुम्हें पता है कोरोना चल रहा है करके मास्क पहन के आया करो जी मासा। थोड़ा सेफ्टी रखनी पड़ती है, थोड़ा तभी तो बचाव होगा जी मासा। फायदा होना चाहिए ना कोई मास्क का जी मासा। तो क्या फायदा घर में रखे उसको? और क्या क्या करना चाहिए पीपी हमें कोरोना से बचने के लिए? मासा हाथ धोना चाहिए। अच्छा और शाबाश। अच्छा सुनिए, और क्या करना चाहिए हमें कोरोना से बचने के लिए जिससे हमें फायदा हो? साहब हमने ब्याका लेना चाहिए, खर्चा भी कम होगा और ब्योली भी सस्ते में आ जाएगी घर, और खर्चा भी कम लगेगा, जितने रुपए बचेंगे उससे हम ब्योल वाली शॉपिंग कर लेंगे। शॉपिंग कर ब्याली शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा बहुत ही झंझट हो गई, झंझट हो गई। मैं आई पापाउन तो झंझट आई। सही से बैठ, ब्योली आ जाएगी सस्ते में नहीं पड़ जाएगा। दो साहु कमा ब्याह करने के पहले है लॉकडाउन में, यो ना कभी विदेर भैरूंगा, मास्क आज के पहनू, हाथ धो, ब्याह करूंगा बड़ा ब्याह करी ले ब्याह। मतलब लॉकडाउन में भी सस्ते में हो जाएगा। फिर आया जमा लड़ो आई आगे बैठ जा रही बैठ। मतलब तू शिशु लगा देना है। अच्छा बीबी तू बता और क्या करना चाहिए हमें? मासा भीड़ में नहीं जाना चाहिए। झूठ बोल लिए, गई थी सुबह भीड़ में। कता झूठ बोला रहा मैं, कता जर्सी बता। भगवान कसम खा तू रत्ती भीड़ में, जब मुझे धानी लगू जी। तू चुप रह कता जर्सी। भीड़ ना भीड़ भीड़ बोले भीड़ वो खा भीड़ थोड़ा बने भीड़ बाहर बने। मासा मैंने भीड़ सोचा भी रूप सोचा मैंने तभी से बैठ जरा। अच्छा बहुत ही लग गया झंझट। भीड़ भाड़ वाला जहाँ आदमी ज्यादा होते हैं, आदमी ज्यादा होंगे तो कोरोना फैलने का डर रहता है। तो मैं खो के भीड़ को भी तो भीड़ कहते हैं। जमान लाए धर को आगे जी मैसा। खो के भीड़ को भीड़ कहते हैं। उल्लू के बट्टे सुधर जा तू, ते तगड़ी स्टूडेंट है फिर पतना काका नहीं की देश विदेश। तू शुरू बटी लास्ट तक जैसा जैसा पागल जोश दो ऐसा बाद हो भाई। कब बाबड़ी क्या है? मतलब वो फैशन है आजकल का। फैशन है? कौन सा फैशन है? मतलब वो सभी ने ऐसी रख रखी है। सभी ने रखा, मैं तो नहीं रखा है। मतलब मेरे पास बाली नहीं है। बाली नहीं है? मारूंगा साहब को जान लड़ेगा। लुका पट्टा कहेगा खाई पी सारे बाबू में जाना था पढ़ लेके। तू आगे बैठा। मतलब तू शिशु कितने दिनों बाद आ रहा था पढ़ने लिखना? इतने दिन तक खा तू पहले बता, थका इतने दिन तक? मतलब घर में था मैं। वो बीबी रोज आ रही थी, सरली रोज आ रही थी, कर के रहा था घर में। तो मतलब कोरोना लग रहा था ना, तो उनके लिए नहीं हो रहा था कोरोना। तो मतलब वो हमारे घर वहाँ तभी लगा मास्क लगा के आता है। झूठ कह रहा है, घूमने गया थे कहाँ गया? तो घूमने तो झूठी बुलाना है। मैं घर में तो झूठ बोल लिए मैं ना। देख इधर आगे क्रिकेट खेल छी मासा। अच्छा बेटा ना संभल जा, ठीक छे ना जी मासा? पेपर होनी है के होस्ट तू पढ़े से नहीं पढ़े घर में? मासा पढ़ने पर पी पढ़ी थी तू? मासा पढ़ी मैं। परसों इंग्लिश का पेपर है ना जी मासा? अच्छा ये बता पीपी, ये बता लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बता लड़के को मासा बॉय। बॉय शाबाश। अच्छा गुड, जी ओ ओ डी गुड। गुड मतलब क्या होता है? गुड गुड टेबल निकाल लूं मैं। गुड गुड वो पूछ रहा मैं, बीच में क्यों बुला रहे? शिट हो जा गुड सीधे बैठ। क्या होता है गुड मतलब? मासा अच्छा। अच्छा शाबाश। अच्छा मैं कहूं यहाँ अच्छा लड़का, ठीक है अच्छा लड़का, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुड बॉय। गुड बॉय शाबाश शाबाश शाबाश। तू पढ़ रही है? अच्छा सूर्या तू बताओ जी मासा, ठीक है खूबसूरत लड़की, ठीक है खूबसूरत लड़की, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मतलब कहाँ है खूबसूरत लड़की? कहाँ है खूबसूरत लड़की? बहुत ही लग रहा है खूबसूरत लड़की, कहीं भी है जहाँ भी है, अल्मोड़ा बाजार में हो सकती है, रोड में हो सकती है, वहाँ नैनीताल में हो सकती है, अल्मोड़ा बाजार है मान ले खूबसूरत लड़की। तो खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहेगा तू? मासा खूबसूरत लड़की इंग्लिश में आई लव यू। बहुत ही लग गया खूबसूरत लड़की को आई लव यू। झंझट हो रही है, तेरे कपाऊ मारो लालू भी हो। सीधे बैठ, क्या कहेगा खूबसूरत लड़की को? खूबसूरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं पीवी तू बता दो? मासा ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल क्या कहते हैं? मासा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ना ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पता नहीं मासा, फिर आई फिर पता नहीं क्या कहते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सही यहाँ। मासा बहुत ही लगे खुटों में, इधर मैं सब्जी को इधर साले अभी और लगेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगा। रत्ती पता लगा तू पी भी तू
पिछले हफ्ते पढ़ाया था, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण त्वरण माँ साहब, जो शिवरात्रि के दिन जमीन से खोदकर साग खाते हैं उसे तरुण कहते हैं। तरुण जितना मैंने तेरे कपाव पहुंचे तो मैं माँ साहब, मेरे को भी आता है, मेरे को आता है तरुण। वो साग है तरुण कुलों में विज्ञान में पढ़ाई नहीं थी पिछली बार माँ साहब, मेरे को आता है। हाँ तू बता माँ साहब, वो पार्वती के गोपाल दा के लड़के को तरुण कहते हैं। तरुण, अच्छा वो गोपाल दा चला था तरुण, एक पूरा तरुण एक पूरा तरुण। तुम्हारा इसको क्यों लगा रहे शिशु, मेरे को लगा रहे इसके भी लगाओगे कपाओ में। यस जुलफुल निकाल रहे बिल्कुल कैटरीना भरे अपने विज्ञान में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स आती है, ठीक है? नहीं जी सर। अच्छा ये बता, चल मैंने पिछली बार ही बताया था, क्या कहते हैं जंतु कोशिका पादप कोशिका पढ़ाई थी ना, पढ़ाई थी। तो मनुष्य का शरीर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अनगिनत कोशिकाएं होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। तो ऐसे प्राणी का नाम बताओ, तो बता कौन से ऐसे प्राणी है जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। अंबिदा। क्या कहा? अंबिदा, 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 एक कोशी प्राणी का नाम अंबिदा। हाँ मां साहब, एक ही अंबिदा तो हमारे गाँव में, वही अंबिदा हुए। अंबिदा क्यों? हाँ वही तो है ना, टुल्लू पट्टा अमीबा। अमीबा उल बता देना, ध्यान तो सुन है, कैसी मजा है क्या गुरु कबीर? टुल्लू पट्टा ऊन तो नहीं है, सुनने लग गलत लाना, सुनने लग गलत लाना, पागल ध्यान से बैठ। मतलब अंबिदा ही तो क्या कहा? अमीबा को फिर बता, उसको क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा टुल्लू पट्टा साहब, अरे पिछली बार बता मेरा अमीबा कबीर आई जता कुण से तू, मेरा अमीबा का चित्र बना था जता कुण से तू, मसाला में बादल जैसा क्या है कभी निकुण से तू। अंबिदा एक कोशी प्राणी का नाम अंबिदा, जब तू अंबिदा तो पढ़ लेना क्या है अमीबा। हाँ दो नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है विज्ञान में, याद रख लेना मेरी बात जी मां साहब। पांच छह सालों से देख रहा हूँ लगातार आ रहा है क्वेश्चन, एक कोशी प्राणी का नाम बताओ, ठीक है? जो ईसाओ। अच्छा बीबी बता, घर्षण बल किसे कहते हैं? हाँ घर्षण बल, घर्षण बल ना, घर्षण बल फर्क फर्क तू लावन यू ना, तू बता दे क्या किसे कहते हैं सामने बल। अच्छे बस घर्षण, घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल मतलब घर में श्रेणी द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या परिभाषा बनाई, श्रेणी द्वारा लगाए बल घर्षण बल, मतलब लग गया। तो इस सब मैं बता, तुम निकलो, निकल निकल, मतलब मैं भोंड़ भर नहीं होगा, क्यों का तो निकल बैठ पट्टा, कल ये सारा याद करके लाना, ठीक है? नहीं जी मैं सर, टाइम भी ऐसी बर्बाद कर दिया, जितने क्वेश्चन आज बताए सारे याद करके लाना है, समझ गया ना? तभी पास होगा, नहीं तो फेल हो तो मैंने बता दिया तुमको। निकल यहाँ से, चला मैं सब भाई जान।